आइए प्रशंसात्मक पूछताछ के साथ शुरू करें। अगर सकारात्मकता की तलाश और ध्यान केंद्रित करना शुरू करें, तो विभिन्न चुनौतियों और कठिनाइयों के बीच जो एक बदलाव स्वीकार करने के साथ आता है, क्या होता है? प्रशंसात्मक पूछताछ की अवधारणा डेविड कूपर राइडर द्वारा पेश की गई थी। केस वेस्टर्न में सुरेश श्रीवास्तव की बौद्धिक सहयोग और अनुनय के साथ उन्होंने सकारात्मक की तलाश में विशेष रूप से डेटा को देखने का फैसला किया। प्रशंसा और पूछताछ को एक साथ रखने और नई संभावनाओं को देखने, खोज करने और खोज कर सर्वश्रेष्ठ को पहचानने और बाहर लाने के लिए एक प्रक्रिया की परिकल्पना करने के लिए एक साथ रखा गया है। एक अभ्यासी उन्मुख परिभाषा में कहा गया है कि प्रशंसात्मक पूछताछ में प्रश्न पूछने की कला और अभ्यास शामिल हैं, जो सकारात्मक क्षमता को बढ़ाने, प्रत्याशित करने और बढ़ाने की प्रणाली की क्षमता को मजबूत करता है। यह एक समाधान आधारित दृष्टिकोण भी है, जहां समस्या से समाधान की ओर बदलाव होते हैं। आइए सकारात्मक प्रवचन और नकारात्मक प्रवचन के कुछ कथन देखें। आइए हम इस बात पर चिंतन करें कि कैसे सकारात्मक प्रवचन हमें सराहनीय पूछताछ से आगे बढ़ाने में मदद करता है। आप पढ़ते समय वीडियो को रोक सकते हैं और पूरा होने के बाद फिर से चालू कर सकते हैं। इसमें कुछ अंतर्निहित मान्यताओं को शामिल किया गया है, जैसे हर संगठन के पास कुछ न कुछ काम होता है। सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ताकतें शुरुआती बिंदु हो सकती हैं। लोग सकारात्मक कोर की पहचान करने के लिए, कहानियों को साझा करने के लिए संवादों में भाग लेते हैं। प्रशंसात्मक पूछताछ या AI सकारात्मक कोर की ऊर्जा को सीधे किसी भी परिवर्तन एजेंडे से जोड़ता है। यह लिंक ऊर्जा और उत्साह पैदा करता है और साझा सपने की ओर बढ़ने की इच्छा रखता है। सकारात्मक पर ध्यान क्यों देना चाहिए? ये इसलिए, ये भविष्य की छवि को उज्जवल करता है। लोग फलते फूलते हैं, सकारात्मक चित्र विकसित होते हैं। यह एक जागरूकता पैदा करता है जो किसी व्यक्ति को अनुस्मारक लिखने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक विश्वास एक चिकित्सा प्रज्वलित करता है। जो देखा जाता है वह माना जाता है। सकारात्मक भावनाओं से सामाजिक मदद मिलती है। ये आंतरिक संवाद को जन्म देते हैं, जिससे हम सकारात्मक छवि को देखना शुरू करते हैं। सकारात्मक अंतर्भाग AI प्रक्रिया के दिल में स्थित है। पॉजिटिव कोर किसी भी संगठन का भूत, वर्तमान और भविष्य है। यह संगठन उसके लोगों, उनके कौशल, मूल्यों आदि की ताकत है। यह वह जगह है जहां पूरे संगठन को अपने इतिहास को महत्व देने और सकारात्मक संभावनाओं में परिवर्तन करने में नवीनता को गले लगाने का अवसर मिलता है। इस पॉजिटिव कोर को 4D साइकिल के द्वारा बुना जाता है। यह इस विचार पर आधारित है कि मानव प्रणाली, व्यक्ति, टीम, संगठन और समुदाय विकसित होते हैं और जो वे अध्ययन करते हैं उसके साथ बदल जाते हैं। प्रशंसात्मक पूछताछ एक सकारात्मक क्षमता पर ध्यान केंद्रित करके काम करती है। 4D फ्रेमवर्क क्या है? 4D फ्रेमवर्क के 4 मुख्य भाग हैं: डिस्कवरी, सपना, डिजाइन और नियति। डिस्कवरी वर्तमान ताकत पर संबंधित है, जो सबसे अच्छा है और जो है। सपना क्या हो सकता है का एक सक्रिय विचार है। डिजाइन
उत्तेजक प्रस्तावों का एक सेट है जो कि क्या होना चाहिए का वर्णन करता है, मूल्यों और विचार को आकार देता है। नियति, यह सीखने और नवाचार को प्राप्त करने के लिए कार्यों द्वारा समर्थित है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से रूपरेखा का अन्वेषण करें। श्री देव एक वरिष्ठ विज्ञान शिक्षक हैं और अपनी कक्षा में पद्धति से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो अब ऑनलाइन है। वह उसी के लिए 4D ढांचे का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। वे वर्तमान शक्तियों की खोज के साथ शुरू करते हैं। सबसे अच्छा क्या है और क्या रहा है, वह शोध और पाठ योजनाएं बनाने में कुशल हैं, जिसमें छात्रों का कक्षा अभ्यास और होमवर्क असाइनमेंट करना शामिल है। अपनी ऊर्जा को इस बात पर केंद्रित करना कि छात्रों को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, उन्होंने शुरू करने के लिए पौधों पर एक साधारण विषय के लिए घर आधारित मिनी प्रोजेक्ट पद्धति का अभ्यास करने का फैसला किया। वे अपने विचारों को आकार देना शुरू कर देते हैं। वे एक छोटी परियोजना की योजना बनाना और डिजाइन करना शुरू करते हैं, जिसे वह अपनी बातचीत के माध्यम से निष्पादित कर सकते हैं। वह सीखने के उद्देश्यों, परिणामों को उत्पन्न करते हैं, परियोजना के कार्यों और निर्देशों को निर्धारित करते हैं, संसाधनों के लिए शोध करते हैं, निगरानी और मूल्यांकन रणनीति और परियोजना रिपोर्टिंग के बारे में सोचते हैं। एक बार जब उनकी तैयारी आगे बढ़ती है तो क्या होगा, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए वह अपने छात्रों के साथ अपनी पहली परियोजना शुरू करते हैं और सफलता और सुधार के क्षेत्रों और टिप्पणियों को बनाना शुरू करते हैं। इस प्रकार छात्रों के सीखने को सक्षम करने के एक सकारात्मक कोर के साथ आगे बढ़ते हुए वह छात्रों को एक आभासी वातावरण में उलझाने की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आइए अब एक अभ्यास करते हैं। यहाँ उत्तर दिए गए हैं, आइए जांच और प्रतिबिंबित करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रशंसात्मक पूछताछ के लिए सिद्धांत और व्यवहार एक साथ चलते प्रशंसात्मक पूछताछ की प्रथा इसके सिद्धांतों, मूलभूत मान्यताओं और मानवीय आयोजन और बदलाव के बारे में है। प्रशंसात्मक पूछताछ में 5 सिद्धांत शामिल हैं: निर्माणवादी सिद्धांत, सिमल्टेनिटी का सिद्धांत, काव्य सिद्धांत, प्रतिपक्षी सिद्धांत और सकारात्मक सिद्धांत। आइए इन्हें एक एक करके देखें। निर्माणवादी सिद्धांत मानव संचार को दर्शाता है और भाषा मनुष्य को आकार देने और बदलने के केंद्र में है। जैसे ही लोग बातचीत करते हैं और बातचीत के अर्थ को एक साथ उत्पन्न करते हैं, वे कार्रवाई के लिए टोन सेट करते हैं। हमारी वास्तविकताएं दूसरों के साथ संचार में आकार लेती हैं और ज्ञान सामाजिक संपर्क के माध्यम से उत्पन्न होता है। यहाँ एक उदाहरण है। एक दी हुई परिस्थिति में लोग एक ही चुनौतीपूर्ण अनुभव से गुजर सकते हैं, लेकिन कैसे वे विभिन्न भाषा का उपयोग करते हैं और उस अनुभव के बारे में अलग अलग कहानी बताते हैं, जो उनकी वास्तविकता बन जाती है। हम पीड़ित की तरह महसूस कर सकते हैं और जहां हम हैं या रहने की स्थिति से आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि शब्द मायने रखते हैं। वे सिर्फ एक फर्क नहीं करते हैं, वे जीवन में चीजों को लाते हैं, दुनिया बनाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। सिमल्टेनिटी सिद्धांत इस बात पर जोर देता है
कि जब हम सवाल पूछते हैं तो परिवर्तन होता है। जांच और परिवर्तन एक साथ चलते हैं। जांच हस्तक्षेप है और शायद परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन है। इस प्रकार प्रश्न विचारों, नवाचार और आविष्कार को ट्रिगर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए विक्टर फ्रेंकल, प्रसिद्ध मनोचिकित्सक और एकाग्रता शिविर उत्तरजीवी ने जीवित रहने के लिए अपने प्रयासों को आंशिक रूप से आंतरिक प्रश्नों के लिए माना जो उसे घेरे हुए थे, जबकि उसके आसपास के अन्य लोग पूछ रहे थे, क्या वे बच पाएंगे? विक्टर सवाल से प्रेरित था, क्या हमारे चारों ओर इस दुख और मृत्यु का कोई अर्थ है? चिकित्सक मारिले गोल्डबर्ग बताते हैं कि पूछताछ का क्षण भी चुनाव का क्षण होता है, जो आमतौर पर प्रभावी कार्रवाई और सकारात्मक बदलाव के लिए सबसे बड़ा लाभ होता है। काव्य सिद्धांत से हमें पता चलता है कि हम क्या अध्ययन करते हैं। साहित्य, कविता या पवित्र ग्रंथों के महान कार्यों के रूप में हमारी शिक्षा भी ऐसी कहानियां बन सकती हैं, जिन्हें जांच के किसी भी विषय के माध्यम से बताया जा सकता है। क्या अध्ययन करना है, इसका विकल्प हमारे लिए है। उदाहरण के लिए, जब हम अपने कौशल पर काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चुनौतियों के बावजूद काम पर खुशी और उत्साह के बारे में सवाल कहानियों, छवियों और खुशी के अनुभवों को उकसाते हैं। वैकल्पिक रूप से तनाव के बारे में सवाल कहानियों, छवियों और तनाव के अनुभवों को जन्म देते हैं। प्रतिपक्षी सिद्धांत बताता है कि भविष्य की छवियां वर्तमान कार्यों और उपलब्धियों को प्रेरित और निर्देशित करती हैं। प्रतिपक्षी सिद्धांत यह संकेत देता है कि जब हम एक सकारात्मक भविष्य की कल्पना करते हैं, तो हम सकारात्मक रूप से कार्य करने और खुद को सकारात्मक भविष्य में जीने की अधिक संभावना रखते हैं। उदाहरण के लिए, डर आधारित छवियां घबराहट वैकल्पिक रूप से स्पष्ट रूप से ट्रिगर हो सकती हैं, और प्रेरित करने वाली छवियां शक्तिशाली सकारात्मक सामूहिक कार्रवाई को गति प्रदान कर सकती हैं। सकारात्मक सिद्धांत इंगित करता है कि जब हम सकारात्मक महसूस करते हैं, तो हमारे पास सकारात्मक कार्य करने के लिए अधिक झुकाव होता है। सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करने में सक्षम होना हमारे कल्याण की सामान्य भावना को मजबूत करने का एक आधार है। इस प्रकार रिश्तों की देखभाल, ऊर्जा और ताकत बढ़ती है। यह पॉजिटिव कोर को ट्रिगर करता है। उदाहरण के लिए, हम बस यह कह सकते हैं कि परिवर्तन के लिए आंदोलन को एक दूसरे के साथ बनाने में महान सकारात्मक प्रभाव और सामाजिक बंधन, आशा, प्रेरणा और आनंद की आवश्यकता होती है। प्रशंसात्मक पूछताछ का अभ्यास विभिन्न तरीकों से सकारात्मक को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सकारात्मक कोर की खोज और मानचित्रण के माध्यम से। आइए अब एक अभ्यास करें। आप पढ़ते समय वीडियो को रोक सकते हैं और पूरा होने के बाद फिर से चालू कर सकते हैं। यहाँ उत्तर दिए गए हैं। आइए जांच और प्रतिबिंबित करते हैं। आइए अब कुछ प्रश्नों पर विचार करें और उनका उत्तर देने का प्रयास करें। आप पढ़ते समय वीडियो को रोक सकते हैं और पूरा होने के बाद फिर से चालू कर सकते हैं। अब आइए देखें कि प्रशंसात्मक पूछताछ क्यों काम करती है। प्रशंसात्मक पूछताछ काम करती है क्योंकि यह लोगों को मशीनों की तरह नहीं, लोगों की तरह व्यवहार करती है। हम उत्सुक हैं, हमें कहानियां सुनाना और कहानियां सुनना पसंद है।
हम कहानियों में अपने मूल्यों, विश्वासों और ज्ञान पर गुजरते हैं। हम अपना सर्वश्रेष्ठ हासिल करने के लिए जो सीखना चाहते हैं, उसे सीखना और उसका उपयोग करना पसंद करते हैं। और हम उन लोगों की नजरों में अच्छा करने में आनंदित होते हैं, जिनकी हम परवाह करते हैं और सम्मान करते हैं। मैं अपने जीवन में सराहनीय जांच कैसे शुरू करूं? स्व के साथ शुरू करते हैं। आइए जीवन, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत, स्वयं और रिश्तों की सराहना करें। यह सब हासिल करने के लिए क्या किया जा सकता है? व्यायाम, ध्यान, पत्रिका लिखने और धन्यवाद व्यक्त करने में छोटे प्रयासों के साथ शुरू करें। हम अब पाठ्यक्रम के अंत में आ गए हैं। यहाँ एक सारांश है कि हमने क्या कवर किया है। आप पढ़ते समय वीडियो को रोक सकते हैं और पूरा होने के बाद फिर से चालू कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आशा करते हैं कि आप अपने और टीम के लिए प्रशंसात्मक पूछताछ जारी रखेंगे। हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि यह एक चीज घर और काम में आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगी।